सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और पहुंच रहे हैं दनोदा गांव में, फेमस दनोदा गांव में। और क्या कर रहा है, उम्र छोटी और कारनामे बड़े। अरनू भी क्या कर रहा है, उम्र छोटी और शौक बड़े। तो यो देखो गिली नैन, उम्र छोटी है पर शौक बड़े हैं और कारनामे भी बड़े हैं। तो जो आपने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, इंटरव्यू लिया था, उसमें दिखाई थी। इब दिखाऊंगे जो ट्रैक्टर है, किसी किसी ट्रैक्टर रखा, ये घराए इनकी गैरेज है, सारी चीज़ ये घराए तैयार कर रहे हैं और घराए बनावा। एक बारी गिल्ली दिखा, आप भी आओ तो देखिए इब गिल्ली की गैरेज दिखाऊंगे। गिल्ली गैरेज में क्यूकर क्यूकर के बनावा है सारी चीज़, कोई ना आप दिखाते रहो और बताते रहो। तो ये सारी चीज़ मतलब नट नट बखेर रखे है, तो मतलब अड़के के तैयार करो हो। ऐड जिस तरह ट्रैक्टर में कई बार फॉल्ट हो जे है, जिस तरह और अपना ऐड यो करना है, जिस तरह गियर में कोई दिक्कत है जे, कल्च में दिक्कत है जे, है वो सारा ऐड तैयार करना। अभी तो न्यू है सीजन में लग रहे सारा सामान उरा परा पड़या, कोई वो नहीं संभालनी। तो वीरेंद्र जी मतलब इतने बड़े शौकड़े तो पाल रखे हैं, बगैर न्यू हो जे जी अपना आप अपने आप हो जाए। हाँ जो कुत्ते भी आपको ये ले रहे हो? कुत्ते भी रखा जी, और वो भी बड़े बड़े। हाँ जी हाँ जी, बड़े बड़े ले रहे हो। गिल्ली आगे ना जाना, गिल्ली शर्माओ गणा। तो गिल्ली ट्रैक्टर देख ले तरा। हाँ, कह ले रहे हो? तीन तीन ले रहे हैं। हाँ, तो तीनों ट्रैक्टर देखांगे और आजो एक बार देखेंगे वो उसमें देखेंगे। हाँ तो देखेंगे मतलब क्या अलग है इस ट्रैक्टर में, ये टायर भी काट कर रखे हैं यारे। तो वीरेंद्र जी इसमें मतलब क्या अलग है जो एक नॉर्मल ट्रैक्टर है, जॉन डियर है? हाँ जी हाँ जी, तो ये अपन है, ये जॉन डियर का जिस तरह चार सिलेंडर ट्रैक्टर नहीं आता, ये अपन चार सिलेंडर कंबाइन वाला इंजन रख रखा है जॉन डियर पे, ये कंबाइन वाला। हाँ कंबाइन का, जो जॉन डियर कंबाइन आती है चार सिलेंडर, वो इंजन फिट कर रखे है इस पर। ये वैसे तो आता है तो ये 55 HP का जो ट्रैक्टर है, इंजन इस पे 100 HP का रखा हुआ है। 100 HP का? हाँ कंपटीशन है। हाँ सिर्फ कंपटीशन का तरह। एवरेज कितने दे भाई? एवरेज तो जिस तरह आप नॉर्मल इसमें चलावा तो बढ़िया एवरेज दे हुआ है वैसे भी। मतलब एक वीडियो देखी थी मैंने वीरेंद्र जी, उसमें मतलब उस केबल लग रहा साइलेंसर। हाँ यो भी लाल हो रहा था। हाँ ये साइलेंसर इसी ट्रैक्टर का था, वो निकल गया भाग गया था, मतलब जल गया था पूरा। हाँ वो जल गया था, मैंने निकल गया था प्रेशर से, पूरा बाहर निकल गया था, पूरा निकल गया। हाँ मतलब ये अलग तक तैयार करी जा। हाँ, अलग से तैयार करना पड़ा है जी थोड़ा। और इनके जो टायर टूर है इनका भी कुछ अलग तक करो। हाँ इनका टायर है, जिस तरह टायर ये टायर है इनमें ये रेडियल टायर डालने पड़ा कंपटीशन में, तो मतलब जो साथ में वो निकाल कर अलग तक। हाँ हाँ वो साथ वाले तो ये सिंपल टायर आते हैं। अच्छा यो था वो साइलेंसर जो था, मतलब उसमें वीडियो में पूरा का पूरा लाल होकर जलना आ गया है। अरे भाई डर नहीं लगता ना मेरे पापा? मेरे पापा पूछ लो। तो सर मतलब तीन ट्रैक्टर ही फिलहाल? हाँ जी हाँ जी। और तीनों मतलब इस चीज के लिए तैयार करे? हाँ जिस तरह अपना नॉर्मल घर खेती भी करा, जिस तरह अपना तुड़ी वाला सीजन में चलिया है उस टाइम अपना नॉर्मल सही चले है। इब अपने 1 तारीख का कंपटीशन है, उसमें जावांगे जरूर। तो ये बाबू बेटा फिर तैयार हो गए? हाँ हाँ। आगे ना ताई, 7 साल होगी बेटा इनकी ये काम कर जाने। अच्छा ताई, कदे लोगा लह कदे नून गल है कदे किमी गल है, ये बस न्यू में लो सिंगाड़ रहा है। अच्छा। बतदा नहीं इनका पल्ला कुछ नहीं, ये सो किन्नी के मारे हंड है बेटे। अच्छा। हैं नाम तो कमा रहे हैं? नाम कमा रहे आपके और बतदा नहीं कुछ ताई, नहीं नाम बड़ी चीज वो है। हां बस मैं तो कू मेरा पोता पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनो। अच्छा मारी उम्र पूरी लाओ करो मेरे पोता के। हैं नाम के ताई? नाम मेरा कृष्णा। और बेटी कौन से गांव की ताई? बेरिया की। बेरिया की? हाँ। ब्याह दनो देम राखी? हाँ, है ब्याह दनो देम राखी हूं। दनो देम जी लाग रहा है जमा मेरा घर आंदन जी ये कौन करदा? इ मेरे यानी यानी बड़कान मैं क्यों कर छोडूं? सही बात है। अपन देखे 5-4 बेटी है, 1 बेटा है, 2 पोते 1 बहू है, या 5वीं बेटी यह है। सही बात है। अपन दे सारे बात आपका घर बार की होगी, ये है अपने बेटा बेटी सारे सोदे ताई नू बता। हाँ बेटा अफसर तो पोता बाद में बनेगा, इब देखना पूरा घर ठड्डा भर रखा ट्रॉफिया का। ए बेटी बड़ तो राख्या है ती, मैं तो कू बसी ती पढ़ा जो लिखा जो भाई बड़ा अफसर बना जो फिर ब्याह हो बन रहा बड़ा अफसर वो बड़ा अफसर हो ए बेरा भी बेटी। तो एक बार सर जो 2 ट्रैक्टर और है भी और देख लिया वो बाहर है जी अपने जी, इसमें और भी क्या अलग तक कर रखा ट्रैक्टर में? और तो अलग तक थोड़ा बहुत मॉडिफाई तो करना पड़ा है जी थोड़ा, जिस तरह में पंप का और है कोई अलग एक्स्ट्रा चीज थोड़ी बहुत तो करनी पड़ा है जी। तो सर जैसे आप इन्हें मॉडिफाई करो मतलब अलग अलग चीज इसमें डालो हो? हाँ जी हाँ। तो ये मतलब खुद के आइडिया होते हैं या कहीं से? मैंने खुद का भी होगा थोड़ा, एक आधा जो अपना जान पहचान के मिस्त्री है जो वो भी बतावे बाप रे ये करा, मतलब अकेला बंदा इसमें वो नहीं कर सकता, कईयों की वो लेनी पड़ी है हेल्प लेनी पड़ा है, तो उसमें फिर तैयार करना। हाँ फिर तैयार करना पड़ा है। तो सर एक बार दो और देख लेते हैं आप। हाँ जी हाँ जी आज
तो देखो ये दो ट्रैक्टर और खड़े हैं आड़ा है, तो इनमें इनमें के अलग कर रखा है? इनमें भी वही चीज है अलग तो दी। अच्छा हाँ, मतलब एक और चीज मैंने, मतलब उस पर गिल्ली दनोदा लिख रखा है। हाँ जी हाँ, पीछे लिख रखा गिल्ली नैने। हाँ जी हाँ जी, तो एक बार दिखा दे, पीछे भी लिख रखा है यो के कण का गिल्ली। कंप्यूटर गोड़ी, जो कंप्यूटराइज्ड गोड़ी हुआ है। अच्छा, सारे चला ले है। ये देखो गिल्ली नैन, जो गिल्ली मतलब गिल्ली नैन के नाम तो इंस्टा आईडी भी है और यूट्यूब चैनल भी है। इनाम में मिली थी यो, पंजाबी भी लिख रखा इस पर। हाँ समझ में, मैंने लिखाई होड़ी, मैंने लिखाई है। अरे ना को बता दे फिर पंजाबी में लिख रखा, मेरे तो बाकी कुछ समझ में आती नहीं। मैं तो कोई बोल रहा थोड़ी बहुत समझ जरूर लूं पंजाबी, क्या लिख रखा है? आज जन्म च होने नहीं और रीस जट दी तीन चार बार तेन होना पाऊगा। इसकी हिंदी और बता दे, अनारी आवनी बता दे। इस जन्म में तेरे पर मेरी रीस को नहीं हो, तेन तीन चार बार दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यह बात सच्ची भाई, यह बात कहनी पड़ेगी। एक जन्म में कौन है गिल्ली की रीस हो है? तो देखो मतलब पंजाबी आड़े थे या उड़े जाए पास शौक लग गया पंजाबी ना? स्कूल में करी थी फिफ्थ क्लास में। अच्छा, उसके बाद पंजाब में लाके जान सीख गया। तो गिल्ली देख पंजाब में जा है, देखा मतलब सारे का पंजाबी, कितने भी कोई गांव का नाम हो शहर का नाम हो पंजाबी में लिखा पावे है। अब हिंदी में कौन लिखा पाता? मतलब आप तो बढ़िया तरीके पढ़ लेते हो फिर कोई दिक्कत नहीं आती होगी? पंजाबी भी आओ है, हिंदी भी आओ, हरियाणवी भी आओ, इंग्लिश भी आओ, कोई लैंग्वेज आओ है। तो ये देखो मतलब पंजाबी में लिखवा रखा है और जाट राम भी लिखवा रखा है, गिल्ली नैन उस पर गिल्ली दनोदा, सारे का सारी चीज लिख रखी है। यार अलग बारह बारह ट्रैक्टर है, पूरे नूं दिखा पूरे जानदार ट्रैक्टर है। वो बैठ पड़े हैं इनके। क्या पड़े हैं? मैं बैठ पर कंपटीशन का अतर, वो बैठ पड़े हैं उधर। उसका क्या करा जा सकता? वो बैठ इन पर टायरों में बैठे जावे जी। अच्छा, एक बार चलो दिखाऊंगे एक बार भी किस प्रकार का काम करा है। जब ट्रैक्टर कंपटीशन में चले तो ये प्लेट इधर टायरों में बैठनी पड़ेगी सारी की सारी। अच्छा मतलब वो बारह हो जाए। हाँ, ये 80 किलो की एक प्लेट है जी। 80 किलो की? हाँ, तो मतलब ये सारे एक ट्रैक्टर के लग जाए? हाँ जी हाँ जी, ये सारी एक ट्रैक्टर पे फिट होगी जी। वो सारी वो पीछे वो होगी, पीछे टायरा पे ये फिट होगी जी। तो वीरेंद्र जी एक बात बताओ, हाँ जी, इतना सारा लोहा लगा के हाँ और फिर जब ट्रैक्टर चल रहा, मतलब ट्रैक्टर का तो पूरा अंगा लगता होगा? हाँ लगेगा जी, तभी जाकने जीतना पड़ा है जी। जीतना पड़ा हाँ है। एक बात तो आप खर्चे भी पूरे करते होगे? हाँ जी करना पड़ा है, ये करना पड़ा है ना, क्योंकि ये केक मेरे ख्याल में गणे गणे की आती होगी। हाँ जी हाँ। और फिर बच्चा भी है कि मैं बचन बुचन का तो इसमें नहीं है जी, बस एक शौक शौक अभी बचता कुछ नहीं जी। शौक बड़े हैं? हाँ जी शौक बड़े हैं जी, बस एक नाम खातिर थोड़ा वो कर रहे हैं, और बचन बुचन इस चीज में बचता कुछ नहीं जी। इब गेम 300 किलोमीटर दूर होगा जाके, जलंधर के पास जाकर ना गेम होगा है, उधर जावा हाँ मतलब 350 किलोमीटर एक साइड का हो जे है, तो खर्चा इनाम से ज़्यादा खर्चा हो है। तो ये चीज उड़े जाके लगाओ का? हाँ, ये उड़े जाके ना फिट करनी पड़े है, मतलब लेके जानी। हाँ, साथ में ट्रॉली में लोड करके ले जाए, उड़े जाके लगानी पड़े है ये। तो सारे फिर ट्रैक्टर का लेके जाओ? ट्रैक्टर अपने तीनों ही ट्रैक्टर जावे जी, तीनों ट्रैक्टर। हाँ, दो ट्राली में चढ़ा जाए, एक जोड़ के ले जा जी। अच्छा, दो ट्राली में चढ़ा के ले जाओ? हाँ, एक जोड़ के ले। हाँ, एक जोड़ के ले जाओ। और सारा ये सामान लेके जाओ? सारा सामान लेके जाना पड़ेगा, मतलब कई दिन का काम। हाँ, पीछे एक ट्राली ले जाओ, उसमें अपना बिस्तर गद्दे लगा लिया, उसमें सो करना अपना पीछे सारा। कई दिन मतलब आन में भी और जान में? इस तरह जान में एक दिन तो 12-13 घंटे लग जाए हमने जान में, फिर उस उधर आप पहला दिन पहुंच जाए, अगला दिन रात ना उधर से 10 बजे या 11 बजे खत्म हो गए, मैं रात को फिर वापसी कर दिया उधर से। मतलब बचा था ट्रॉफी है? हाँ जी हाँ, सिर्फ एक ट्रॉफी बचा और कुछ नहीं बचता जी, और नाम कमा रखा। हाँ, जो सिर्फ नाम बचा जी। हाँ 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 जी हाँ जी, और दनोदे का गांव जाना है। हाँ जी दनोदे गांव का छोरा है गिल्ली नैन, और छोटा सा छोरा है सरमाऊ छोरा ना, सच में सरमाऊ छोरा है। और मतलब गिल्ली जब उड़ा जीतता है और जीत का मतलब लोग पूरी किलकी मारते होंगे, किसा का लग है? जमा बढ़िया लग है, जमा बढ़िया लग है, जमा घटा सारा बढ़िया लग है। तो कुछ कह दे उस तन्यारा? उस तन्यारा तो की जो उड़ा कह दे उस तन्यारा, कह दे कि मैं बढ़िया ही बात बता दे कोई बढ़िया। तो उस बात को कुछ ले ट्रैक्टर की छतरी के ऊपर। हाँ, आप ट्रैक्टर की छतरी के ऊपर खड़े थे? वो तो मतलब मैंने पहली बार शो मैच मारा था। अच्छा, कंपटीशन में पहली बार चलाया था, जब मतलब पब्लिक लगी भी कान ऊपर चढ़ जे, फिर ऊपर चढ़ के जिन थापे मारी थी। मन में इतनी खुशी हुई किधर पर रह नहीं गया, पब्लिक ने मेरे पब्लिक की डिमांड थी। हाँ, पब्लिक की डिमांड पूरी करी थी, पूरी करी थी बिल्कुल। और देखो सही में मतलब छोटा सा बालक है और इतने बड़े बड़े काम कर लग रहे, इतने इनाम जीत लग रहा है, हम तो नहीं कहेंगे और भी आगे बढ़े, और भी गणे इनाम जीत कर लिया हुआ है, और दनादा गांव का नाम नहीं हुआ रोशन करता रहो है। बाकी ये बोला तो घाटा है कारनामे बड़े हैं, उम्र छोटी और कारनामे बड़े। तो देखो छोटी सी उम्र के कारनामे के बारे में आपने क्या कहना है? ट्रैक्टर के बड़े बड़े शौक हैं,
और बड़े बड़े काम हैं, तो इनके बारे में भी आपने कहना बताना है, जरूर, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।